हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। तो गाइस, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 2019 की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी हमारा एमएस वर्ड अभी हमारा चल रहा है। इंसर्ट टैब अभी हम लोगों ने होम टैब को पूरा पढ़ा हुआ था, और इंसर्ट टैब में पिछले वीडियो में हमने इस ऑप्शन तक हमारी पढ़ाई हो चुकी थी। आज हम लोग इस वीडियो में इसके आगे के ऑप्शंस को पढ़ते हैं विद प्रैक्टिकल। गाइस, उससे पहले ये जो वीडियो है, यहाँ पर ये जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि ओवस हो गया, CCNA, CCNP पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। और जैसे ही मैं कोई वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आ जाएगी। तो गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। ओके, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय वीडियो। ओके, गेट एड इन्स, ये 2019 में न्यू ऑप्शन है। इस ऑप्शन से क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इस ऑफिस में कुछ ऐड आपके, मतलब कुछ इसमें एड इन्स आपके अटैच हो जाएं, जिस टाइप से जिनसे हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, एग्जांपल आपका एडोब और इस टाइप की चीज़ें आपके इसके साथ में ऐड हो जाएं, तो आप इस ऑप्शन से इन्हें ऐड कर सकते हैं और किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जगह पर इनको यूज़ करके आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला होता है माय एड इन्स। इसमें क्या होगा कि जो जैसे कि आपका गूगल प्ले स्टोर होता है और जी उसमें आपकी ऐप्स होती हैं, इसमें भी होता है ऑफिस स्टोर, इसमें भी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं और इनको ऐड करके आपका काम सेम टू सेम आपका इजी हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन का अप्रोक्स सेम टू सेम ही काम होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है विकिपीडिया। इसका ये अर्थ होता है कि अगर कोई चीज़ है तो ये जब आपका टर्न ऑन ये अगर आपका हो जाता है ऐड, तो किसी भी ऑप्शन की अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो ये पूरी इंफॉर्मेशन की उसका क्या क्या काम होता है और उसका काम कैसे कैसे होता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस एड इन के साथ में आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट ऑनलाइन वीडियो। अगर आप किसी वीडियो को अपनी फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं बट जो ऑनलाइन होता है, तो यूट्यूब से है तो वो इस साइट से आपका सर्च हो जाएगा, तो इस टाइप के ऑप्शन अगर आप ऑनलाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, अगला होता है लिंक। ये लिंक क्या चीज़ होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपर लिंक। इस ऑप्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। हाइपरलिंक का बेसिकली काम होता है कि एक ही फाइल में अगर आप चाहते हो तो वो अलग अलग चीज़ों को आपस में जोड़ेगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी तीन चार फाइलें हैं तो वो आपकी आपस में अटैच हो जाएं, तो वो यहाँ से हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल हमने कहा कि ये एक हमारी फाइल है, इस फाइल में ये फॉर्मूला होता है, इससे एक स्टैंजा आपके सामने आ जाता है। हमने कहा जैसे कि ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट फाइल है और इस फाइल को हमने कहा जाकर कि ये फाइल है सेल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इस फाइल को आई जस्ट सेव ओवर माय डेस्कटॉप। सेम सेल्स इन्फो के नाम से इसे हम सेव कर रहे हैं और ये सेव हो जाएगी। ओके, आई जस्ट ओपन द एक अगली फाइल विनवर्ड पे, और ये आपकी एक फाइल है, इसमें कोई काम आपका हो रहा है रेंट, और ये ठीक है जी। और इसमें हमने कहा जाकर कि ये जो सेल्स इन्फो है, सेल्स इन्फॉर्मेशन, इस पर टिक होते ही वो फाइल का डेटा अपने आप से ओपन हो जाए, तो आप इसको
आपको पहले इसको सिलेक्ट करना होगा और आप हाइपरलिंक ऑप्शन पर आ जाएंगे। इसका आपका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल के से भी ये सामने आपके ओपन हो जाएगा। हाइपरलिंक जब ये ओपन हो जाएगा तब आता है कि इसी पेज में हम आते हैं, इसमें क्या कोई फाइल है या फिर आप अगर चाहो जैसे कि करंट फोल्डर है या वो कहाँ पर ओपन है। तो हमने कहा कि वो फाइल हमारी डेस्कटॉप पर हमने सेव की थी और फाइल थी हमारी सेल्स इन्फो, ये फाइल इसके साथ में अटैच हो गई। ये देखिए हाइपरलिंक होते ही इसका कलर अपने आप से चेंज हो जाएगा। अगर आप सिंपल कर्सर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो इससे शो होगा कि ये चीज़ आखिर किससे हमारी अटैच है, तो यहाँ पर शो हो गया। और जब आप कंट्रोल के साथ जब आप इसके ऊपर आओगे, कंट्रोल को प्रेस करके आपको रखना है और जब आप इसके ऊपर आएंगे तो एक हैंड ऐसा आ जाएगा, ऐसे हाथ के आकार में आ जाएगा और इस पर क्लिक होते ही वो फाइल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो हाइपरलिंक ऑप्शन का काम ये देखिए, ये सामने हमारी अगली फाइल ओपन होकर आ गई, ये दो फाइलें हमारी यहाँ पे ओपन हो गई हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक का ये काम होता है कि अगर आप चाहें तो अलग अलग फाइल्स को भी आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो अगला ऑप्शन है वो है बुकमार्क का। पहले मैं आई जस्ट क्लोज दिस फाइल सेल्स इन्फो नाम से जो हमारी फाइल थी बुक इन्फो। इस प्रैक्टिकल के लिए जैसे हमने कहा रखा कि मैंने एक फॉर्मूला अटैच करा रेंट और मैंने कहा 100, इससे आप इससे हमारे 100 स्टैंजा अपने आप से आ जाएंगे। ये देखिए आ गए 100 स्टैंजा। बुकमार्क का क्या काम होता है, एग्जांपल कि आप कोई किताब को पढ़ रहे हो, आपने उसके 10 पेजेस को आपने पढ़ लिया जाकर, तो ये ध्यान रखने के लिए कि अभी आपने कितना उसे पढ़ लिया है, आप उस पेज पर कोई ना कोई निशान लगाते हैं और फिर उसके आगे भी ऐसे ही करते हैं। तो ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ये एक काफ़ी बड़ी फाइल है, ये देखिए इस फाइल को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। एग्जांपल अभी आपने यहीं तक पढ़ा हुआ है, तब तक कुछ काम एक दम से आपको आ गया और आप इस ऑप्शन पर आए बुकमार्क पर, ठीक है। एंड गिव एनी नेम, आई जस्ट गिव नेम 11, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए, या फिर आई 11 से नहीं होगा, आई जस्ट गिव नेम AA और ये ऐड हो जाएगा और ठीक है। तो एक तो हमारा इस पर हो गया, फिर आप फाइल को पढ़ रहे हो और फिर से कुछ आपको काम आ गया इस वाले ऑप्शन पर आके, आप इस पर आएंगे, आपने कहा जी एक और बुकमार्क हम अटैच कर देते जाके, तो सिंपल बुकमार्क AA तो है ही, हमने कहा जी अब की बार हो जाए BB नाम से और ऐड, ठीक है। एक यहाँ पर बुकमार्क हमने किया अटैच, फाइल को आप और पढ़ रहे हो और फाइल को यहाँ पर आके आपने एक और बुकमार्क आपने अटैच किया जाकर CC नाम से। ऐसे ही बहुत सारे आपने अलग अलग किए हुए हैं। अब आप फाइल के एकदम आखिरी में आ गए हो, अब आपको फर्स्ट बुक मार्क पे अगर अब आपको आना है तो आपको ऐसे आना होगा और आपको ध्यान रखना भी होगा कि जी आखिर कहाँ पर हमारा था वो, तो वो एकदम से आपके लिए हेडक चीज़ हो जाएगी। तब उस केस में अगर आप फाइल के एकदम आखिरी में भी हो, आप बुकमार्क ऑप्शन पर आइए और जैसे कि अगर अभी आपको AA पर आना है तो आप बस इस पर आइए एंड जस्ट गो टू ऑप्शन पर क्लिक हो, देखिए हम लोग वहीं पर ही आ गए। ये देखिए अब अगर आपको आना है CC के ऊपर तो देखिए गो टू से ऑप्शन, तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हम आसानी से अपने काम को कर पाएंगे, ठीक है जी। अगला ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस। जैसे कि इसके लिए ये हमारा कोई काम है, हमने कहा ये एक हमारी जैसे ये जो हमारा पेज है, पहले स्टार्टिंग में इस प्रैक्टिकल के लिए पहले मैं एक पेज को इंसर्ट कर लेता हूँ जाकर, ये जो फाइल है इसके स्टार्टिंग में आई जस्ट इंसर्ट अ ब्लैंक पेज, ठीक है, ये सामने एक पेज आ गया और ये हमारी एक फाइल है। हमने कहा ये जो है
हमने यहाँ पे कहा था कि एंटर करके, ये हमारी मार्केट की इंफॉर्मेशन है, मार्केट इन्फो। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम। हमने कहा जी अगला है हमारा, जो अगला पेज है हमारा, उसमें हमने कर रखा है अपना, इसमें हमारे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स किसी कंपनी में हैं आप और उसके रूल्स हैं। ठीक है जी, अगला हो गया था। आगे अगले पेज में हम आए और अगले पेज में हमने कहा था जैसे जैसे कि ये जो है वो है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। ऐसे ही अलग अलग पेज में आपने अलग अलग इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आपको इन्हें पहले हेडिंग बनाना होगा। तो हेडिंग बनाने के लिए आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए जाकर के, और अगर आप चाहते हो तो आप पहले आपको होम में आना होगा और यहाँ पर ये रही हमारी हेडिंग। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, मैं बताता हूँ ज़रा अभी आपको। आप जब दूसरे ऑप्शन पर आते हो, पहला तो हमने उस वाले ऑप्शन से किया, हमने कहा ये हमारे रूल्स हैं, आप इस ऑप्शन पर आ जाइए, कंट्रोल एल्ट के साथ में 1, इट मीन कंट्रोल एंड एल्ट आपको दबाए रखना है और फिर उसके बाद में प्रेस 1, तो ये ऑप्शन आ गया हमारा। तो ये हमारा शॉर्टकट होता है। ऐसे ही हम आ गए अब हमारी इस फाइल में 3 हेडिंग्स हैं। एक एग्जांपल के लिए एक 3 हेडिंग है। अब यहाँ पर ये एक आपका पेज है, आप इस पर आ जाइए, लिखा रहा कि आपने हेडिंग्स कुछ भी कर सकते हैं आप। हमने कहा जी हेडिंग्स, और यहाँ पर आकर लिखा मैंने पेज नंबर। अब आप इस पर आइए। अब जब क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे जब आप आओगे तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। अभी जो ये जो फाइल है इसमें हमने बुकमार्क पे काम किया हुआ था और अभी हमने हेडिंग पे काम किया। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग हेडिंग में आ जाते हैं, और अभी आप आ जाइए हेडिंग टेक्स्ट में। ये 3 हेडिंग है, हमने कहा जी पहली हमारी हेडिंग है इंसर्ट, ये हो गया जाकर प्रेस एंटर, उप्स एंडस क्लोज। और यहाँ पर प्रेस टैप, और फिर हम वापस उसी में आ जाते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में आकर क्रॉस रेफरेंस में आके अब की बार हम लोग आ जाएंगे पेज नंबर पर। तो ये जो हेडिंग है ये किस पेज पर है वो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बाकी 2 को भी हमने ऐसे इंसर्ट किया था जाकर। ओके, ये हमने इंसर्ट किया। अब अगर आप चाहो तो इसी ऑप्शन से सीधे आप उस हेडिंग पे आ जाओगे। सेम कंट्रोल के साथ में जब आप इसके ऊपर आओगे तो एक हाथ आप सामने आपके ऐसे आ जाएगा, और देखिए मार्केट पे क्लिक होते ही एंड जस्ट क्लिक हियर, और आप सीधे उस ऑप्शन पर आ जाओगे। अगेन सी आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं कमेंट पर। कमेंट का क्या काम होता है, जैसे कि ये है गैलरीज। ठीक है,
अब इस शब्द का क्या अर्थ है? तो या तो आप इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे या कमेंट में आकर ये सामने, अब इसका क्या मीनिंग होगा वो एक शॉर्टकट टाइप से। हमने कहा जी गैलरीज का मीनिंग है फोटोज से, ठीक है, और ऐसे हमने कहा जी थीम का क्या होगा मीनिंग, तो आप क्रॉस आप कमेंट में आ जाएंगे। हमने कहा जी थीम का अर्थ होगा ड्रेस से। ऐसे ही किसी फाइल में अगर आप चाहते हो कि किसी भी शब्द का क्या अर्थ आपको कहना है, तो ये आपका वहाँ से एलिमेंट हमने कहा जाकर, जैसे एलिमेंट्स और कमेंट में आके हमने कहा जी गोल्ड। तो इस टाइप से किसी खास शब्द को अगर आपको शॉर्टकट में शो करना होगा तो सामने ये आपके ऐसे आ जाएगा। जैसे ही कर्सर आपका इसके ऊपर आएगा, इट विल शो कि ये शब्द किससे अटैच है, ठीक है जी। तो ये सामने आपका हो गया कमेंट का ऑप्शन। अब हम लोग अगले ऑप्शन पर आते हैं। ये जो ऑप्शन होता है ये होता है हेडर एंड फुटर। ये क्या चीज़ होता है? ये जो हमारा पेज है इसके बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, ये चीज़ होती है हेडर। जब आप इसके ऊपर आके अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, एग्जांपल देखिए, ये सामने आ गया आपका हेडर। और ऐसे ही जब आप पेज के आखिरी में आएंगे तो वो होता है इसका फुटर। यहाँ पर जब आप आएंगे इट विल शो फुटर, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग होता है बताता हूँ मैं आपको। हेडर पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक फ़ाइल है और उसमें कोई 200 पेजेस हैं, अब जो 200 पेजेस हैं सब पर ऊपर एक ही चीज़ आ जाए, तो आप जैसे ऐसे आएंगे, मैंने एग्जांपल लिखा रखा है यहाँ पे दिल्ली, और ये देखिए ये एक पेज पर तो आया ही आया, साथ में ये अगले पेज पर भी ये देखिए अपने आप शो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे अगले पेज पर भी आपका ये शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके 200 पेजेस होंगे उनके ऊपर ये ऐसे ही शो होना आपका शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि आप चाहते हो कि इसको हटाकर, हमने कहा जी ये जो आपका हेडर है ये इसके भी आपके अलग अलग टाइप्स हैं, ये इस टाइप में आ जाए कि ये तीन टाइप में आपके ऐसे आ जाए कि इस तरीके से आए, तो मतलब इस तरीके से आप हेडर आपका कैसा हो ये तरीका आपका यहाँ, जैसे एग्जांपल लिखा रखा मैंने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा, ठीक है। और ये जो हमारा है ये हेडर हमारा इस टाइप में शो होना शुरू हो जाए, इस टाइप में। तो देखिए ये सामने आपका ओके, आपको पहले ऐसे आना पड़ा, मैं लिखा नोएडा, तो ये सेम चीज़ आपके सारे हेडर्स में आकर शो होना शुरू हो जाएगी। सारे पेज देखिए, सारे पेजेस में ये शो होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फुटर का भी सेम ही काम होगा कि पेज के जो आखिरी में अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ये जो हमारा पेज है उसमें आखिरी में इंसर्ट में आकर सेम चीज़ कि जो आखिरी में वो ऐसे आ जाए कि इस टाइप से आ जाए, तो वो सामने आपके ऐसे आ जाए कि पेज नंबर 1 है और यहाँ पर अगला जो होगा शो वो ये पेज नंबर 2 का होने लगा। ऐसे ही आपके 3, 4 ऐसे ही सारे पेजेस हमारे शो होने शुरू हो जाएंगे। ये 3 नंबर आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट पेज नंबर जो हमने काम किया रखे टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर पेज नंबर ऐसे में आ जाए, इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से, इस तरीके, जैसा भी आप चाहोगे तो पेज के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे ये फोर नंबर का पेजेस होगा तो यहाँ पर ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा अलग अलग पेजेस। तो पेज नंबर ऑप्शन का ये काम होगा कि जो पेज के नंबर हैं वो कहाँ पर आए, टॉप में आ जाए, बॉटम में आ जाए, इस टाइप से यहाँ इसमें अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम इस ऑप्शन पर आते हैं टेक्स्ट पर। इसका क्या काम है? जैसे कि ये हमारा एक कुछ काम इसमें हो रहा है और ये जो हमारा ये है इसके बीच में एक बॉक्स आ जाए, तो बॉक्स ऐसे में आ जाए, इस तरीके से ऐसे, जैसे हमने कहा जी बॉक्स ऐसे में आ जाए, तो देखिए टेक्स्ट के बीच में ये बॉक्स आपका अपने आप, मैं लिखा रखकर हेलो
हेलो वेलकम, तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसे बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से इंसर्ट का काम इसमें बहुत आसानी से, ये यहाँ पे अलग अलग शेप्स हैं, ये सामने आपके ऐसे आ जाएंगे। ओके, अब जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। इसमें ये जो ऑप्शन है ऑटो टैक्स का, इसका क्या काम होता है, आपका कोई जैसे कि कोई आपका शब्द है और उसकी स्पेलिंग काफ़ी टफ है और वही शब्द आपकी फाइल में अगेन अगेन आ रहा है, तो आपका वो शब्द आपका अपने आप से इंसर्ट हो जाए, तो इस चीज़ के लिए काम। जैसे एग्जांपल के लिए हम इस ऑप्शन पे आ जाते हैं, हमने कहा जाकर कि ऑटो टैक्स में आकर जैसे ये जो गैलरीज, जैसे ये एक शब्द है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, स्पेलिंग थोड़ी सी हमारी टफ है, हमने इसको जस्ट सेलेक्ट इट, उप्स ये पूरा ही सेलेक्ट हो गया, आप ऐसे आ जाएंगे और ऑटो टैक्स पे आकर और सेव, तो ये यहाँ पर अपने आप से हो जाएगा सेव। आप जैसे यहाँ पर आप आए, आपको अगेन आपको वो चाहिए, तो सिंपल आप इसके ऊपर आइए और देखिए ऐसे अपने आप ये चीज़ आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो इसका काम इसलिए होता है। अगला हमारा होता है वर्ड आर्ट। किसी खास शब्द को किसी खास तरीके से लिखना होगा तो इसका काम होगा हमारा वर्ड आर्ट। हमारा कर्जर इस तरफ है, हम वर्ड आर्ट ऑप्शन पर आएंगे, ऐसे शब्द में आ जाए, तो हमने कहा जी जाकर लिखा रखे हमने दिल्ली, DELHI, और ये देखिए इस टाइप से ये खास शब्द में अपने आप से आ जाएगा वर्ड आर्ट का। ठीक है, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है जैसे कि ये एक पेज है आपका, आपने बुक्स में भी आपने देखा होगा, ये हमारा एक पेज है और इस पेज का फर्स्ट अक्षर कैसा हो जाए, तो वो चीज़ हमारी ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे में हो जाए कि ये देखिए अपने आप से फर्स्ट अक्षर चेंज हो गया, या इस टाइप में हो जाए या इस टाइप में, तो ये ऑप्शन आपके सामने ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन होता है कि कोई आपका ये एक फाइल है, आपको इसमें अपने साइन के शो करवाने हैं, तो जैसे आप इस ऑप्शन पर आए, हमने कहा जाकर कि यहाँ पर ये साइन का ऑप्शन आ जाए, आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे और जैसे कि एग्जांपल के लिए गिव द नेम, हमने कहा जी नाम है मोहित, ठीक है, और ये कौन है, एग्जांपल के लिए हमने कहा कि ये है ट्रेनर, ठीक है, और ईमेल एड्रेस इनका क्या है, हमने कहा ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com, ठीक है, और यहाँ पर आकर ओके। तो यहाँ पर जब आप आएंगे एक मिनट, ये यहाँ पर ऐसे आपके सामने ये साइन के रूप में ऐसे ये शो होना शुरू हो जाएगा, ये तो आपका साइन हो गया। आप चाहते हो कि डेट भी आपके इसी में आ जाए, तो डेट के लिए फिर आपको इस ऑप्शन पर आना होगा और डेट ऐसे में आ जाए कि इस टाइप में आए, जैसे हमने कहा था कि डेट हमारी इस टाइप में आ जाए, तो देखिए ये साइन का ऑप्शन जो अगर आप किसी फाइल में अगर आप चाहते हैं तो वो ऐसे आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप किसी और फाइल का कोई टेक्स्ट है, जैसे कि मेरे पास में ये एक फाइल है, और इस फाइल में ये काम अभी हमारा हुआ है, तो इसका ये जो आई जस्ट सब डिफरेंट कंट्रोल ए एंड मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा एंड जस्ट सेव इट। ठीक है, सेव। आप चाहते हो कि सेल्स इन्फो फाइल का जो भी काम है वो इस फाइल में इंसर्ट हो जाए, तो हम फाइल के एकदम आखिरी में आ जाते हैं शो करने के लिए और यहाँ पर प्रेस एंटर और यहाँ पर जब आप आएंगे
तो कोई टैक्स किसी फाइल से आ जाए। फाइल कहाँ पर है? हमने कहा जी फाइल ये रही सेल्स इन्फो नाम से। और ये देखिए जो सेल्स इन्फो हमारी फाइल जो हमने सेव किया था उसका टैक्स हमारा इसमें आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से हो जाएगी। या कोई पिक्चर अगर अगर किसी फाइल में है तो वो इस ऑप्शन से आ जाएगा। इससे आपका टैक्स आएगा, इससे आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी। अगला जो ऑप्शन है वो है इक्वेशन। मैथ्स में सबने पढ़ा होगा कि अगर आपकी एक फाइल है उसमें कोई भी इक्वेशंस आपके इंसर्ट हो जाए, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर आ गया, और किसी चीज़ को अगर आपको चेंज करना, इसमें आ जाए टू, इसमें आ जाए थ्री, तो इस टाइप के इक्वेशंस इंसर्ट हमारे इस ऑप्शन से हो जाएंगे। आफ्टर दैट जो जो बिल्कुल आखिरी में है वो है सिंबल्स। अलग अलग टाइप के सिंबल्स इसमें आपके हमारे इंसर्ट हो जाएंगे। ऐसे हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो यहाँ पर साइन बताएं। तो इस वीडियो में हमने पूरी इंसर्ट टैब को कवर किया हुआ है। तो गाइज़ अगले वीडियो में हम लोग डिज़ाइन ऑप्शन पर आएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। एंड ये जो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।